यो व्हाट्स अप गाइस, स्नैपड्रैगन ने लॉन्च कर दिया एक नया प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 875। रुक रुक, क्या हुआ? एक मिनट उधर देख, क्या 875 लॉन्च नहीं हुआ था? स्नैपड्रैगन 875 लॉन्च नहीं हुआ। क्या लॉन्च हुआ भाई? लीक में तो 875 क्या है? अबे घंटा लीक, लीक का विश्वास नहीं करना चाहिए। आप अंदर का निशाना लगाओगे तो यही होगा ना। मतलब मैक्स थोड़ा सा अजीब सा नहीं लग रहा है? सीधा 865 से सीधा 888 सभी को लगा था कि स्नैपड्रैगन 875 लॉन्च होगा और शायद लग भी रहा था कि स्नैपड्रैगन का अगला प्रोसेसर 875 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्नैपड्रैगन ने कुछ अलग ही फार्मूला यूज़ करके लॉन्च किया है ये 888 प्रोसेसर को। स्नैपड्रैगन 865 काफ़ी ज़्यादा तगड़ा प्रोसेसर था और रहा है, और अभी भी काफ़ी सारे फ्लैगशिप फोन्स में स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर मिल रहा है। और इसका डायरेक्ट कंपैरिजन यानी कि स्नैपड्रैगन 888 का कंपैरिजन स्नैपड्रैगन 865 से करने पर काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स हैं यहाँ पे। यार प्रोसेसर लॉन्च होते ही काफ़ी सारी कंपनीज ने हाथ मार लिया है। वीवो, ओप्पो, रियलमी, एलजी, लिनोवो और काफ़ी सारे कंपनीज के आने वाले फ़ोन्स में ये स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर होगा, और ये प्रोसेसर में जो इम्प्रूवमेंट्स होंगे वो क्लियरली दिखेंगे स्मार्टफोन्स में। अब सबसे पहला जो इम्प्रूवमेंट होगा वो होगा क्लियरली गेमिंग में या फिर परफॉर्मेंस में। यहाँ पे स्नैपड्रैगन 865 से काफ़ी ज़्यादा तगड़ा परफॉर्मेंस होने वाला है इस नए प्रोसेसर में। अब इस प्रोसेसर में जो गेमिंग एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होगा और बिना किसी लैग और काफ़ी स्मूथ गेम प्ले होगा। यहाँ पे 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट अवेलेबल है, और अगर कंपनीज चाहे तो इस प्रोसेसर को यूज़ करके 144 हर्ट्ज तक डिस्प्ले में ऑफर कर सकते हैं, तो गेमिंग जो होगा वो 144 हर्ट्ज में काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होगा। और इस गेमिंग एक्सपीरियंस को आप बिना किसी लैग और लेटेंसी के एक्सपीरियंस कर सकते हो। और काफ़ी सारे ब्लूटूथ हेडफोन्स में ये चीज़ देखा होगा कि हेडशॉट पहले पड़ गया और आवाज़ बाद में आ रहा है, तो यही है लेटेंसी। यार ये प्रोसेसर SoC यानी कि सिस्टम ऑन चिप बेस्ड प्रोसेसर है, यानी कि जितने भी चीज़ें GPU प्रोसेसर और जितने भी कोर्स वगैरह होंगे वो एक चिप में होंगे। और यहाँ पे GPU काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है, तो गेमिंग में ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी तरीके से आप एक्सपीरियंस ले पाओगे। मोबाइल फोटोग्राफी भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है इस प्रोसेसर की मदद से। इस प्रोसेसर में काफ़ी ज़्यादा स्पीड्स में फोटोज़ कैप्चर होती हैं, 2.7 गीगापिक्सल्स पर सेकेंड। यार हम नंबरों में विश्वास नहीं रखते हैं, एक एग्जांपल समझाता हूँ। इसे ऐसे समझो कि 12-12 मेगापिक्सल के 120 फोटोज़ क्लिक कर रहे हो एक सेकेंड से भी कम समय में। अब ऐसा मत समझना कि 120 फोटोज एक सेकंड में कैप्चर हो जाएंगे, लेकिन ये इसे समझने के लिए काफी अच्छा एग्जांपल है। तो इतने स्पीड्स में फोटोज क्लिक हो सकते हैं। तो यार इतने फास्ट इमेज प्रोसेसिंग की मदद से जो वीडियोस आप रिकॉर्ड करोगे उसे आप IFPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो, और फोटोज काफी जल्दी कैप्चर कर सकते हो, यानी कि जो इमेज प्रोसेसिंग है बैकग्राउंड में वो काफी ज्यादा फास्ट और एक्यूरेट होगा। तो यहाँ पे ये इम्प्रूवमेंट हुआ है मोबाइल फोटोग्राफी के फील्ड में। ये प्रोसेसर पूरी तरीके से AI बेस्ड प्रोसेसर है, और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें AI बेस्ड होने वाली हैं इस प्रोसेसर में। यानी कि जो भी स्मार्टफोन इस प्रोसेसर के साथ आएगा उसमें AI वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से होंगी, यानी कि फ़ोटोज़ खींचते वक्त काफ़ी ज़्यादा AI ऑप्टिमाइज़ कर देगा आपके इमेजेस को और वीडियोज़ को। और यहाँ पे जो AI है वो काफ़ी सारी जगह में यूज़ आने वाला है। यहाँ पे AI 6 जनरेशन इंजन लगा हुआ है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये काफ़ी ज़्यादा तगड़ा काम आने वाला है। 5G को कैसे छोड़ सकते हैं? अगला जो इम्प्रूवमेंट है वो है कनेक्टिविटी में। जी हाँ, यहाँ पे 5G का सपोर्ट मिलता है, और स्नैपड्रैगन 865 प्लस से जो 5G स्पीड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं। यहाँ पे 3rd generation मॉडम यूज़ हुआ है 5G के लिए। जो भी स्मार्टफोन इस प्रोसेसर के साथ आएगा उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा स्पीड्स मिलेंगे 5G के लिए, और यहाँ पे जो रेंज है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे 5G के फील्ड में काफ़ी अच्छी तरीके से इम्प्रूवमेंट हुआ है, और सिर्फ डेटा स्पीड्स ही नहीं, इसमें डेटा ट्रांसफ़र, मैसेजिंग, कॉल्स और काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे 5G कनेक्टिविटी के काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। इंडिया में 5G ना होना है कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि 4G भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा काम करने वाला है। अगर कंपेयर करोगे स्नैपड्रैगन 865 में 4G स्पीड्स को
तो स्नैपड्रैगन 888 में जो 4G स्पीड्स होंगे वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव्ड हैं, और जब भी कोई भी स्मार्टफोन आता है तो उसमें 5G और 4G स्पीड्स काफ़ी ज़्यादा तगड़े मिलेंगे। यार क्वालकॉम ने एक अपने इवेंट में एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया था, दो RC कार्स यानी कि रिमोट कंट्रोल कार्स को 5G मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर दिया गया था। तो ये मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट था, तो इसकी मदद से जो रिमोट कंट्रोल कार्स हैं उन्हें 1.5 किलोमीटर दूर से कंट्रोल किया गया था, और यहाँ पे लैग लेटेंसी जैसे कोई भी प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है इसी 5G mmWave वेव टेक्नोलॉजी पे। तो यार इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि जो 5G का मॉडम लगा हुआ है इस प्रोसेसर में वो कितना ज़्यादा फास्ट है, और ये कनेक्टिविटी में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाएगा। और ये जानने वाली बात है कि कार्स में कैमरास भी लगे हुए थे, तो वीडियो ट्रांसफरिंग में भी कोई भी लैग और कोई भी देरी नहीं हो रही थी, सब एकदम साइमल्टेनियसली एक साथ हो रहा था। तो ये है काफ़ी ज़्यादा फास्ट 5G टेक्नोलॉजी, और इसका एडवांटेज हमें आने वाले स्मार्टफोन्स में देखने को मिलेगा। फास्ट डेटा स्पीड्स, फास्ट मीडिया ट्रांसफरिंग, और काफ़ी सारे जो कनेक्टिविटी वाले चीज़ें हैं वो काफ़ी फास्ट होंगी इस प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन्स में। स्नैपड्रैगन 888 में तो कहने को काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है वो है परफॉर्मेंस, कि आखिर ये स्मार्टफोन में कैसा परफॉर्म करता है। तो ये है स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में।